हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना स्वागत करती हूँ आपका कुकिंग पैशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रक्षाबंधन स्पेशल एक और स्वीट रेसिपी शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मैं मिल्क बर्फी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। फ्रेंड्स, इसे मैंने सिर्फ मिल्क पाउडर और बची हुई चाशनी से बनाया है। फ्रेंड्स, ये दो इंग्रेडिएंट से बनने वाली है, मार्केट में महंगी मिलने वाली मिठाई जैसी ये स्वीट्स आपको बहुत पसंद आएगी जब आप इसको बनाकर ट्राई करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये टेस्ट में इतनी ही सुपर सॉफ्ट सुपर डिलीशियस है कि आप ट्राई करेंगे तभी आप टेस्ट करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी महंगी दिखने वाली ये मिठाई मैंने सिर्फ मिल्क पाउडर और चाशनी से बनाया है, तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई करना। और मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। और रेसिपी अच्छी लगे ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने में फ्रेंड्स, मैंने एक कप मेजर करके मिल्क पाउडर लिया है। अब मेजर का पूरा ध्यान रखें, इस कप से लिया है, आप कोई कटोरी या कप सेट कर लें। और आप जब भी लें तो फुल फैट मिल्क पाउडर का यूज़ करें, किसी भी ब्रांड का लें बट फुल फैट होना चाहिए, तो आपकी बर्फी परफेक्ट बनेगी जब फैट कंटेंट उसमें ज़्यादा होगा। और ये मैंने बची हुई चाशनी ली है बालूशाही की, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की, आप देख सकते हैं, जाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप इस कप से मेजर करके आप लें एक कप, तो हाफ कप चीनी लें, मैं मेजर बता रही हूँ आपको। और बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन ली है मैंने गार्निशिंग के लिए, आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने घी लिया है 2 बड़ा चम्मच भर के, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अब मिल्क पाउडर में इलायची पाउडर को डालकर मिक्स कर दूँगी, घी को डाल लूँगी और इसको हम मोयन की तरह करेंगे मसल मसल कर। फ्रेंड्स, आप मोयन परफेक्ट ही रखें तो आपकी बर्फी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अगर आपको कम लगे, बिखरा बिखरा लगे, तो आप उसमें घी की क्वांटिटी को बढ़ा लें। ये देखिए, मैंने लड्डू बनाया और इसको गिराया तो टूटा नहीं, परफेक्ट है। बट अगर आपका बिखरे तो आप इसमें और घी को बढ़ा लें, इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी आपकी बर्फी। आप सारे मेजर को फॉलो करके बनाएंगे तो परफेक्ट ही बनेगी आपकी भी रेसिपी। अब मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई को रख लिया, उसमें मैंने चाशनी को डाल दिया और 2 बड़ा चम्मच टेबलस्पून जितना मैंने इसमें पानी ऐड किया, क्योंकि चाशनी थिक हो गई थी। और गैस फ्लेम को हाई टू मीडियम रखा है। अब हम हाफ तार की चाशनी बनाएँगे। फ्रेंड्स, आप शुगर से बनाएँ तब भी हाफ तार की चाशनी बनाएँ, अगर फुल तार की बना लेंगे तो बर्फ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत ही भागम भांग होती है इस फेस्टिवल में, तो इजी सी ये स्वीट्स आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। सभी को सर्व करेंगे तो सभी पूछेंगे कि आपने ये मार्केट्स में मिलने वाली महंगी मिठाई इतने आसान तरीके से बनाया, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तार बनकर टूट जाता है तो ये हाफ तार की चाशनी रेडी हो गई है। ऐसी चाशनी आपको बनानी है, इसीलिए बोलती हूँ कि वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरा ही वाच किया करें, जिससे आप रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट ही बनेगी। अब इसमें मिल्क पाउडर को ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप इसमें फ्लेवर के लिए केसर के धागे, गुलाब जल, केवड़ा एसेंस कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपको जिसका फ्लेवर पसंद हो। मैंने इसमें इलायची पाउडर पहले ही डालकर मिक्स कर दिया था। और गैस फ्लेम को हाई टू मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये चिपक पकने लगता है और इसको कंटिन्यू ही चलाना है। थोड़ा सा थिक होने के बाद फ्रेंड्स, मैंने अब लो कर दिया है गैस को और इसको डो फॉर्म में आने तक पकाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने और भी स्वीट्स जो अपलोड किए, प्लेलिस्ट बना हुआ, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मैं बटन आई बटन पे भी लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं और बनाकर ट्राई ज़रूर करना। और चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये देखिए, और ज़्यादा थिक हो गया है, मैंने गैस फ्लेम को लो ही रखा है और बिल्कुल डो फॉर्म में आने तक इसको पकाऊंगी। ये देखिए, अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी बर्फ़ी। अब इसको हम ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसे मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया है घी से। और फ्रेंड्स, मैंने ये मार्केट वाला बटर पेपर नहीं लिया है, ये मैंने घर का ही लिया है फाइल पेपर, इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। बट अब फ्रेंड्स, आप में इसको मत अप्लाई करना ये ट्रिक, मेरा थोड़ा इसमें चिपक रहा था बट निकल गया था, कोई नहीं। बट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, आप मार्केट वाला बटर पेपर हो तभी लगाएं, नहीं तो आप डायरेक्ट अच्छे से घी लगाकर ट्रे या थाली जो भी यूज़ करें उस पर ही सेट कर दें। अब हम इसमें बैटर को डालकर सेट करेंगे, उससे पहले ड्राई फ्रूट को डाल देंगे।
आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपको पसंद हो। और देखिए मैंने बटर को डालकर अब इसको अच्छे से सेट कर दूंगी फ्रेंड्स। इसको आप सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रख कर ठंडा होने दें, फिर उसके बाद आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दें, बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है ये बर्फ़ी। ये देखिए आप इसके ऊपर सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, अभी नहीं लगाना जब आप इसको निकालें तभी लगाएं। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको फैलाकर सेट कर दिया है। अब इसको पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने दूंगी, फिर फ्रिज में रख दूंगी आधा घंटा के लिए। देखिए मैंने आधा घंटा बाद निकाल लिया है। अब इसको हम आपको निकाल कर और कट कर कर दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे टाइप करेंगे, बहुत ही आसानी से निकल आती है। ये देखिए अब आप इस पर अगर लगाना चाहें तो सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितना ड्राई फ्रूट से लोडेड मिल्क बर्फ़ी, बिल्कुल मार्केट वाली महंगी मिठाई जैसी लग रही है फ्रेंड्स। मैंने आपको सिर्फ चाशनी और मिल्क पाउडर से बनाकर दिखाया है और कितना इजी मेथड है, तो आप बनाकर इस फेस्टिवल में इसको ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी। और टेस्ट में भी फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़बरदस्त है रियली। आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आप तभी इसको समझेंगे कि सच में कितना फ्लेवरफुल है ये स्वीट्स। देखिए मैंने कट लगा लिया है और आप अपने जितने बड़े शेप में कट करना चाहें अपने हिसाब से कट कर सकते हैं पीसेस को। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है। ये देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, बिल्कुल लग रहा है जैसे मार्केट से आया हुआ कोई स्वीट्स हो। ये देखिए इसका टेक्सचर, और फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट बनती है खाने में, बहुत ही डिलीशियस लगती है। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये मिल्क बर्फी आपको पसंद आई हो। तो चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को स्किप बिना किए पूरा वॉच करना, जिससे आप रेसिपी बनाए तो परफेक्ट ही बने। और मेरे चैनल पर और भी स्वीट रेसिपी हैं, उनको भी बनाकर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।